प्राचीन काल से भारत जादू टोना और अंधविश्वासों के देश के रूप में जाना जाता है। आज के इस वैज्ञानिक दौर में भी एक तरफ हम अंतरिक्ष और चांद पर पहुंचकर प्राकृतिक रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के ग्रामीण तबके में अशिक्षा व अंधविश्वास जनित जादू टोना, बलि प्रथा, सती प्रथा और डायन प्रथा जैसी कुर्तियां भी विद्यमान है, जो व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास में बाधक है। आज हम अपने समाज के एक अहम बुराई, भयानक अंधविश्वास डायन प्रथा को रेखांकित कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही कहानी है देवघर जिले के करो प्रखंड अंतर्गत 12 गांव की, जहां डायन होने का दंश झेलती रुबिया देवी अपने चार छोटे छोटे बच्चे के साथ नारी के जीवन जीने को अभिशप्त। तोर की दुख हो? वे दुख डन के आत्म गोटा मारलो हमरा पोखर के बेजोड़ मारलो, वे मेला घरी पिया दल को वो पूरा मारलो को हमरा गुजर बचाओ ने जाओ पोखर के हम पिटे लगा मारे लगा जुलुम करे लगा। हमर बेटी जे के से सांप को नजर से डन लगे तो बोल डन है के ते अगर मैं मेला पिया दिल के मार पीट कर के डनिया का के बोले के को बुतरू बतरा हमर बेटी यहाँ खा ले, मैं साबुत करके दिखा दियो कि तुर बेटी डैन को दस आदमी जुरा साबुत करा दो कि तुर बेटी डैन को हम मैन जब। मौजूदा दौर में वैज्ञानिक शोध और बुद्धिजीवियों के निष्कर्षों के अनुसार डायन प्रथा कोई सच्चाई नहीं बल्कि एक सामाजिक वहम है, जो समाज के चतुर और दबंग व्यक्तियों द्वारा अशिक्षित दलित व पिछड़े वर्ग के मानसिकता में सदियों पर बैठा दिया, यह भी एकमात्र शोषण का जरिया है। अच्छा ये संजय तोर साथ वो सब करल को तो कर ले तुम कुछ केस तेस कर ली की केस कर ली बाबू अपने कुछ ऐसा नहीं कि समाज से इस भयानक अंधविश्वास को समाप्त नहीं किया जा सकता। वैसे तो सरकार ने भी इसे समस्या पर कानून बनाकर इसे गैर कानूनी अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन इसके उन्मूलन के लिए समाज के जागरूक और प्रबुद्ध लोगों को सामने आना होगा। मैं मुकेश सरजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हार्ट।